अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्री और सराउंडिंग क्या होती है। तो ये मेरा पार्ट ए है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो कि पार्ट बी होगी, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टाइप्स देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से। थर्मोडायनेमिक्स एक कंपाउंड वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से निकला है। तो पहला हमारे पास है थर्मी, जो भी आप कह लो, इसका मतलब होता है हीट, और जो हमारे पास है डायनामोस, इसका मतलब होता है पावर। मतलब हमने क्या करना है कि जो हीट है या हरारत है उसको क्या करना है, तब्दील करना है या तो पावर में या तो वर्क में, ठीक है। और ज़रूरी चीज़ क्या है कि हीट फ्लो हो, मतलब हीट का एक हीट बह, हीट का फ्लो हो। अच्छा, वो तो हम देखेंगे बाद में। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इंजीनियरिंग साइंस कंसर्न विद द हीट एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या इंजीनियरिंग साइंस जो कि क्या करती है, एनर्जी को इस्तेमाल करती है और फिर इस एनर्जी या हीट को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील करती है अदर किस्म की एनर्जी में। वो कौन कौन सी होती है, वर्क। वर्क एक एनर्जी है, ठीक है ना, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, और क्या करती है, या तो उसको वर्क में तब्दील करती है या फिर हमारे पास पावर प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास आईसी इंजन है ना, तो वो पावर साइकिल्स हैं सारी, वो क्या करती है, हीट एनर्जी को पावर में तब्दील करती हैं, ठीक है। जैसे आईसी इंजन हो गए, स्टीम टर्बाइन और वाइस वर्सा। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गई, ठीक है ना, कि आप पेट्रोल इंजन को ले लो या आप जो भी डीजल इंजन ले लो, तो आप क्या करते हो, पेट्रोल को डालते हो। पेट्रोल को डालने के बाद उसके अंदर एक स्पार्क प्लग से हीट जनरेट होती है, जैसे बोलते हो आप कंबस्चन, जलने का अमल होता है। और जलने के अमल होने के बाद आपके पास क्या होता है कि आपकी मोटर बाइक वगैरह चलती है, ठीक है। तो आपके पास वर्क मिल रहा होता है या पावर मिल रही होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डेली लाइफ देता हूँ, डेली लाइफ की एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप टीचर की एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो एक रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं जो कि रूम में बैठे हैं। तो जो मेरा अटेंशन होगी या मेरी तवज्जो होगी वो क्या होगी, स्टूडेंट्स। मैंने क्या करना है, स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे करना है, मैसेज देना है जो मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए स्टूडेंट्स मेरा क्या हो गए, एक सिस्टम हो गए। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो क्या होगी कि आप देखिए, आप मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर से मुराद है कोई भी आप पॉट या कोई भी बर्तन ले लो, और वो कम्प्लीटली ढका हुआ है और उसके अंदर मैंने पानी लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने पानी को सिस्टम बोला है, वो क्यों बोला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर पानी को मैं हीट करूँ, ये देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है ना कि फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मैं बताऊँगा आपको बाद में। बहरहाल अभी मैंने सिस्टम लिया हुआ पानी को, वो क्यों लिया हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मैं हीट करूँ इस पानी को, तो ये पानी वेपर में किस तरह तब्दील होगा, इसके स्टेट या इसकी हालत में किस किस तरह तब्दीली आएंगी, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किस किस तरह चेंज होगा या तब्दील होगा, तो मैं वो स्टडी करना चाह रहा हूँ। और वो सारी चीज़ें मैं किस चीज़ पे स्टडी करना चाह रहा हूँ कि भाई पानी पे, ठीक है। तो मेरी तवज्जो क्या होगी, पानी की होगी, ठीक है। तो वो मेरा सिस्टम हो गया। अब बाउंड्री क्या है यार, बाउंड्री की एग्जांपल सिंपल आप ले लें कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसके एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर किस लिए होता है कि भाई वो कम्प्लीटली क्या करते, एक पूरे सिटी को या पूरे कंट्री को क्या कर देता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है, सराउंड किया हुआ होता है उसने, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ऐसा रीजन होता है, बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम को घेरा हुआ होता है, सिस्टम को इनक्लोज किया हुआ होता है। अच्छा, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखो क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर से मुराद क्या है कि पानी है ना, वो मैंने फिक्स क्वांटिटी का ले लिया है, वो कितना, 2 किलोग्राम ले लें आप, 3 किलोग्राम ले लें, फिक्स क्वांटिटी आपने ले ली। या तो ये फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है, या और अ रीजन ऑफ स्पेस ऑन विच और ओवर अटेंशन इज फोकस, या रीजन ऑफ स्पेस हो सकता है। जैसे अभी तो इसके अंदर हमारे पास पानी था और वो हमारे पास बर्तन जो था वो कम्प्लीटली हमारे पास वो बंद था ना, और उसके अंदर पानी था, हम उसको हीट कर रहे थे और पानी को फोकस कर रहे थे, लेकिन पानी जो है वो हमारी बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा था, ठीक है। जो सिस्टम को सराउंड करेगा वो हमारे पास बाउंड्री होगी ना, तो वो जो हमारा सिस्टम था वो बाहर नहीं जा रहा था, मतलब पानी जो है वो कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ, जैसे टरबाइन की एग्जांपल, टरबाइन में आपने देखा होगा कि इनलेट यानी कि हमारी स्टीम इनलेट होती है और वो बाहर आती है कंडेंस, या फिर वो कह सकते हैं कि वेट स्टीम बन के, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारी स्टीम ही है, स्टीम हमारी स्पेस में, यानी कि ये टरबाइन है इस स्पेस। अब ये जो टरबाइन के जो मैंने नीचे ऑरेंज कलर का जो ये डॉटेड लाइन या रीजन बनाया है, इसे मैं बाउंड्री बोल रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि यार इस रीजन में मेरा जो भी सिस्टम आ रहा है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ बस। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि सिस्टम आ रहा है जा रहा है वॉट एवर, मुझे उसकी क्वांटिटी से नहीं मैटर, मुझे किससे कंसर्न है, मुझे किससे मसला है या मुझे क्या चीज़ चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पास जो ये रीजन है, ये जो बना हुआ है हमारे पास ऑरेंज कलर का, इस रीजन में मैथ्स के अंदर ये जो सिस्टम का मैथ्स है उसमें जो भी सिस्टम इस रीजन के अंदर आ रहा है उसकी टेम्परेचर प्रेशर और उसकी हालत में क्या क्या तब्दीली आ रही है मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ सिंपल क्या किया हुआ है, एक रीजन को फोकस किया हुआ है और सिस्टम मेरा आ रहा है जा रहा है मुझे गर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पहले चीज़ की जिसमें ये क्लोज सिस्टम है, मतलब क्या कि सिस्टम मेरा बाहर नहीं जा रहा, तो मेरा सिर्फ कंसर्न है क्वांटिटी ऑफ मैटर से, ठीक है। और दूसरे केस में मेरा क्वांटिटी ऑफ मैटर से नहीं, मेरा रीजन ऑफ स्पेस, एक स्पेस के रीजन से, एक इलाके से मेरा कंसर्न है और उसके अंदर सिस्टम जो आ रहा है मैं सिर्फ तब्दीलियाँ देखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारे पास है यार बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री मैंने आपको जैसे बताया कि सिस्टम को जो घेरे हुए हैं वो बाउंड्री है, ठीक है ना। तो बाउंड्री क्या है कि द एक्चुअल और हाइपोथेटिकल इनवेलप इनक्लोजिंग द सिस्टम इज कॉल्ड द बाउंड्री। तो सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जिस पे आपके अटेंशन है, जिस पे फोकस है आपका, वो आपका सिस्टम है। और जिसने सिस्टम को घेरा हुआ है चारों तरफ से, वो जो रीजन है वो हमारा बाउंड्री हो गया। और जो बाउंड्री से बाहर, मतलब जो हमारे सिस्टम से बाहर है एनीथिंग जो भी, वो हमारी सराउंडिंग हो गई। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है कि वो कमरा है, स्टूडेंट हमारे सिस्टम है, वो जो कमरे की दीवारें हैं वो हमारी बाउंड्री है। और हमारे कमरे से बाहर जितनी भी चीज़ें, दरख्त वगैरह और बाहर स्टूडेंट्स हैं और हमारी बहुत सी चीज़ें बाहर, वो सारी हमारी सराउंडिंग है। इसी तरह हमारे पास जो ये कंटेनर है इसकी दीवारें जो हैं ये हमारे पास बाउंड्री है। अंदर जो पानी पड़ा है वो हमारा सिस्टम है। और जो भी चीज़ आउटसाइड, जो भी चीज़ इसके बाहर है सिस्टम के, वो हमारे सराउंडिंग में आ जाएगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।